हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बॉर्डर पे पूरे देश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर ही नहीं, विदेशों के अंदर भी अपनी सेना का परचम फैलाया है। ऐसे ही हमारे बीच में है कर्नल दास जी। आइए उनसे हम जानकारी लेते हैं कि जो उनका बीता हुआ दिन और जो एक संस्था चला रहे हैं जिसका नाम है इंडियन ब्रेव आर्ट्स, और इनका जो एनजीओ जो काम करिए, किस पर्पज पे काम करिए, हम उनसे हम जानकारी लेते हैं। कर्नल दास जी, आपका एसएम न्यूज चैनल व अन्य चैनलों में आपका हार्दिक स्वागत है। कर्नल साहब, आप एक आज भी रिटायर होने के बाद में युवा नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी मेहनत है। तो सर, आपने अपना जो ये नौकरी का समय था जिस समय आप सेवा करते थे, आपका कैसा एक लक्ष्य रहा? नहीं, मैंने आर्मी में 27 साल सर्व किया है, और वैसे मेरे फादर भी डिफेंस में थे, टोटली 55 भी हमने डिफेंस में गुजारा है। और हमारा तो आप लोगों को पता है ज़्यादातर पोस्टिंग फील्ड एरिया में होते हैं, कभी जम्मू कश्मीर सेक्टर में, कभी चाइना में, चाइना बॉर्डर पे। तो हमेशा उसी तरह का वो रहा, लड़ाई का माहौल और जवानों को ट्रेन करना उसके लिए, तो ऐसे माहौल में रहे हम। दादा जी, जैसे कि हम लोग आम जनता एक घरों के अंदर ठंड के अंदर रजाई में सोती है, और आप लोग इतने ठंड कड़कती हुई बर्फ के अंदर बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, तो आपका उस समय मन कैसा महसूस करता है? नहीं, देखिए हमें तो आदत है डेजर्ट में जो है +50 तक, जैसलमेर पोखरण में मैं रह चुका हूँ जी, जहाँ की गर्मी होता है, जहाँ शेड भी, पेड़ भी नहीं होते हैं जी, 50 डिग्री तक चला जाता है। और इस तरह जब सियाचिन में जाते हैं, पूरे बर्फ़ में रहते हैं, वहाँ -50 चला जाता है, एक्सट्रीम होता है टेम्परेचर्स का, तो एक तरीके से आदत भी पड़ जाता है। और एक्लिमेटाइजेशन करते हैं हम जब सर्दियों में जाते हैं तो, और कहना पड़ता है बिकॉज हमने वो जो है उसी तरह का ट्रेनिंग भी लिया है, हार्ड ट्रेनिंग, और हमें पता है कि किस तरह का हार्ड लाइफ है। वो तो ज्वाइन करने से पहले हम मतलब मेंटली और फिजिकली जो अपने आप को तैयार कर लेते हैं, तभी हम रह सकते हैं। सर, आप 16 जनवरी को एक बलिदान दिवस का एक प्रोग्राम मनाने जा रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, जैसे मैंने बोला, मैं 27 साल फौज में था, तो हमने जो इनके साथ ही जवानों के साथ हम जाते थे लड़ाई में, इसमें अपने सामने हमने देखा है कि लोगों को जो है मार्टिर होते दुश्मन की गोलियों से, तो एक तो वो तरफा वाला जो है वो है पहलू है। और दूसरा, हमने जब पीस स्टेशन में थे, जवानों का वो होता है, हमने फैमिलीज को भी देखा है कैसे वो सफ़र करते हैं जी, तो ये दोनों तरफ से हमने देखा हुआ है। और कई तरह के हमने प्रॉब्लम्स देखे हैं, जैसे कई जगह जो है बॉडी को ले जाना हेलीकॉप्टर से, ये होना पड़ता है। और दूसरी तरफ फैमिली जो को एकदम से खबर आता है किस तरह का रिएक्शन है, तो ये फिर भी क्योंकि हमारा जो माहौल ऐसा है वो संभाल लेते हैं लोगों को, तो इसलिए उतना प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इस तरह का है, मतलब मुश्किल है अगली फैमिली इसके लिए और इसके लिए। तो सर, आप 16 जनवरी को बलिदान दिवस मना रहे हैं, सर हाँ। आंखों से आंसू झलकते हैं जब युवाओं को जब बलिदान देते हैं, फिर उनके जो परिवार के लोग हैं वो ऐसे तड़फते रहते हैं, और अधिकारी लोग आके उन्हें थोड़ा सा आश्वासन दे देते हैं, और जो हमारे जो देश की जो विडम्बना है, जो हमारे देश के जो राजनेता हैं, उन्हें आश्वासन तो दे देते हैं लेकिन उनके आश्वासनों पर कभी खड़ा नहीं उतरते, उनकी बेवाएँ वो मारी मारी फिरती हैं, उनके बच्चे मारे मारे फिरते हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, कई जगह जो है गवर्नमेंट तो डिक्लेयर कर देते हैं, फिर हमें पता है कि फैमिलीज़ को कई बार वो फैसिलिटी मिलता नहीं है, जैसे पेट्रोल पंप के लिए बता दिया या गैस एजेंसी, फिर उनको भागना पड़ता है। तो ये हम उनको मदद करने की कोशिश करते हैं, जहाँ जहाँ पॉसिबल है हम अप्रोच करते हैं मिनिस्ट्रीज़ को, प्रॉब्लम तो है ये, तो जिसके लिए हमने ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ये NGO मैंने रजिस्टर भी किया है, इसीलिए कि हमें प्रॉब्लम समझ आता है ऑन ग्राउंड भी गवर्नमेंट के साथ, तो उनको मदद करने के लिए ही हमने ये NGO खोला है, ये जो है उनको सपोर्ट करने के लिए, गवर्नमेंट के साथ एक इंटरफेस है, अगर किसी को नहीं मिल रहा है कोई फैसिलिटी, उनको मदद करना इस तरह के। तो सर, ये जो आपकी जो ये संस्था बनाई है इंडियन ब्रेव आर्ट्स, तो आप ऐसे लोगों को कैसे ट्रेन करेंगे, आप उनके लिए क्या अपील करेंगे? नहीं, हम गवर्नमेंट से अलग अलग मिनिस्ट्री से बात करते हैं, कोई फैसिलिटी अगर दे सकते हैं उनके लिए, फैमिलीज़ के लिए, तो हम उनको मदद करते हैं। और ख़ास तौर पे ये अभी जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं बलिदान प्रोग्राम, ये इसके थ्रू हम उनको हाईलाइट करेंगे उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, ताकि आम जनता को पता लगे उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, और मदद के लिए और भी आगे आएँ। और साथ में हम एक फ़ंड क्रिएट करेंगे, उनको सिर्फ ऑनर ही नहीं करेंगे, फिर आगे हम उसको सपोर्ट भी करते रहेंगे। किसी को मान लो कोई बेटी को हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, या इस तरह के उनको नौकरी दिलाना है, तो हम ये मिनिस्ट्री और ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इनसे मेल मिलाप करके उनको पूरा मदद करने की कोशिश करेंगे।
तो सर जो ये जनवरी का प्रोग्राम है, 16 जनवरी का प्रोग्राम है, इसके अंदर जो ऐसे जो कुछ शहीदों के परिवार को आप बुला रहे हैं, ऐसे कितने परिवार को आप बुला रहे हैं? ये तकरीबन हम 15 को तो हम सपोर्ट करेंगे ही, और इसी तरह हर साल हम 15 फैमिलीज़ को सपोर्ट करेंगे, मतलब स्टेज में बुलाएंगे, ऑनर करेंगे सबको, उनका जो प्रॉब्लम्स है, उनके जो हस्बैंड ने बलिदान दिया उसके बारे में बताएंगे, और साथ में जो 5 हम विधवाओं को जिन्होंने अच्छा किया है, कई जो हैं वो अपना डांस स्कूल खोला उन्होंने, अपने पाँव में खड़े हो सके हैं, उनको भी ताकि जनता को पता लगे, तो इस तरह का हमारा प्लान जो है। तो सर आप क्या अपील करना चाहते हैं? आप मैं सिर्फ जनता से ये अपील करूंगा कि आपको पता है एज इट इज़ हमारा जब इवन हस्बैंड अलाइव रहता है फैमिलीज़ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स है, फील्ड एरिया में जब रहते हैं उनको अकेला रहना पड़ता है, फिर पी स्टेशन में जब आते हैं क्वार्टर नहीं मिलता है फिर भी उनको अकेला रहना पड़ता है, और लाइफ टफ है, तो इसलिए जो है जनता को कोऑपरेट करना चाहिए जहाँ वो मदद कर सकते हैं, चाहे नौकरी के लिए हो या किसी काइंड में उनको सपोर्ट कर सके स्कॉलरशिप वगैरह में, तो आके आप उनको सपोर्ट कीजिए और उनको मदद कीजिए, तो आपका भी एक तरह से देश के प्रति वही आपका सहयोग होगा। आप थे हमारे साथ में कर्नल दास जी जो कि फोर्स के अंदर रहे हैं, और कर्नल रहे हैं, इनको एक नीचे से एक जो एक बारीकी से लेकर ऊपर तक का इन्हें सब मालूम है, और ये खुद इस बात को कहते हैं कि हाँ फोर्स के अंदर कहीं कहीं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि देखा जाता है कि जो शहीद होते हैं उनके बेवाएँ दर दर की ठोकरें खाती हैं, और जिस समय शहीद होते हैं मात्र 3 या 4 दिन हार्डली 13 दिन तक, तो उनके प्रति एक संवेदना रहती है, लेकिन उस संवेदना को वो पूरा नहीं कर पाते, सिर्फ आश्वासन ही रहता है, जैसे कि बताया कि कर्नल दास जी ने कि पेट्रोल पंप के लिए बोल देते हैं, गैस एजेंसी के लिए बोल देते हैं, और तरह तरह के आश्वासन दे दिए जाते हैं, लेकिन वो आश्वासन पूरे नहीं होते हैं। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल।